बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद हमारे घर में आज थोड़ा सा माहौल ठीक है और रौनक है, क्योंकि आज भाभी जी घर आने वाली हैं हॉस्पिटल से और उसी की तैयारियों में हम लोग। मैं माफ़ी मांगूंगी सरिता से। जेठू भाई, सरिता, जिस समय आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा, उस समय मैं आपके साथ नहीं थी, और इस चीज़ के लिए तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू ना, तो ये भी कम है, ये भी बहुत कम है। क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि जब घर की इज्जत उछलती है ना, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। और आपके घर की इज्जत उछली और उतने टाइम पर मैंने आपका साथ नहीं दिया, मैंने दोस्त होकर एक दोस्त का साथ नहीं दिया, सबसे ज़्यादा से नीतू दीदी के घर वालों मेरी बात को नहीं समझेंगे, तो मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ अपने आप को साबित करने की बजाय मैं कानून का सहारा लेना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, कि मैं वहाँ पर अपने सबूतों को रखूँगी। मैं वहाँ पर, अगर आपके पास है तो आप रखिए, मेरे पास जितना था मैं उतना रखूँगी, मैं जितना कर सकती हूँ मैं कानूनी कार्रवाई के अकॉर्डिंग ही करूँगी। मैं ऐसे वीडियो वीडियो नहीं खेल सकती। ये कंट्रोवर्सी का पैसा, कंट्रोवर्सी की वीडियो मुझे नहीं चाहिए, कि मैं यहाँ से एक वीडियो डालूँ सामने वाला चार वीडियो डाले, फिर मैं यहाँ से दूसरी वीडियो डालूँ जहाँ सामने वाला चार वीडियो डाले, ये मुझे नहीं करना है। मुझे कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं खेलना है, कि मैं कम्युनिटी को डालूँ फिर उसके बाद मैं उसको डिलीट करूँ, फिर मैं किसी के लिए अपशब्द बोलूँ, फिर मैं मुझसे गलती हुई, जो मैंने भरोसा किया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने रिश्तों पर भरोसा किया और एक रिश्ते के लिए अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था कि नहीं है सही, नहीं है सही, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, आज जितने लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि 95% चीज़ें मेरे बारे में गलत बताई गई हैं, झूठ बोली गई हैं कि मैं ऐसी हूँ। मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं। पति पत्नी के बीच में मैं आई, चलो इस चीज़ को अगर मैं मान भी लूँ कि मैं पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ, अब मैं बहुत दूर हूँ। तो तुम दोनों प्लीज़ खुश रहो। सचिन मनीषा, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों आपस में बहुत खुश रहिए। मैं अपने घर में हूँ, अपने फैमिली के बीच में हूँ, तो आप लोगों को जैसे भी रहना है, अपने भाई अपने घर में रहो, खुश रहो, जो वीडियोज़ है साथ में डालो। और अब इस मामले को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि मुझे इस चीज़ को आगे नहीं लेकर जाना है। मैं स्टार्टिंग से फैमिली कंटेंट डालती हूँ, कंट्रोवर्सी का हिस्सा मुझे नहीं बनना है। नाम मेरा बदनाम हुआ, नाम मेरा उछाला गया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ कि जब मैंने अपने भाई की शादी में आपको इनवाइट किया था और आप यहाँ से जा रहे थे, वो शायद भगवान का इशारा था कि आप उस समय चले जाते तो मेरा आज ये हाल नहीं होता। मैंने आपको रोका और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आपको मेरे भाई की शादी में रोका, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा था शायद कि ये रिश्ता आगे ना चले, लेकिन मेरी नासमझी, मेरी गलती रही। और मैं आपके घर आई, आपके घर आकर आपका महल देखकर मैं देखती रह गई। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया है ना, मैंने उसकी तारीफ़ करी थी। नहीं तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए, ऐसे कर्जे के महल पर मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नहीं बोलना चाहती हूँ इस चीज़ को लेकर। वो आपको मुबारक हो, आपका जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। मेरे घर में, मैं रेंट के घर में रहती हूँ और मैं अपना रेंट देती हूँ, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मेरा भाई करता है, ऐसे करके हमारा घर चलता है। हम भाई मीडियम वर्गीय लोग हैं, हम बहुत हाईफाई नहीं हैं, हमारे पास नहीं है महल, हमारे पास नहीं है गाड़ी, हमारे पास नहीं है कुछ भी। इज्जत थी जो आपने भरे बाज़ार में जिस तरीके से नीलाम करी एक औरत की, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, जब आप माँ बाप बनेंगे ना और आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा, एक औरत के साथ ऐसा होगा, एक औरत की धज्जियाँ उड़ाने से पहले ना दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं कि उसके बारे में बोलें या ना बोलें, लेकिन आपने तो उतना भी मान नहीं रखा, आपने तो उतना भी नहीं रखा, और इतनी बुरी तरीके से मेरी धज्जियाँ उड़ाने के बाद में, मेरे बारे में अपशब्द बोलने के बाद में, और मेरे साथ साथ जिनसे मेरी सगाई हुई है
उनसे फ़ोन पर बात करके आपने जितनी चीज़ें उनसे बोली, आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि उनका कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं था जिस चीज़ों में आपने उनको घसीटा, उनके परिवार को घसीटा। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मेरा साथ दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, तो अगर सामने वाले से आप ये बोलेंगे ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मर जाऊँगा, तो एक इंसानियत के नाते ना सामने वाला कोई भी इंसान होगा वो यही बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा मत कर। उस नाते आपकी बातों को सुना गया, आपको समझाया गया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीज़ों को सोशल प्लेटफॉर्म। नहीं, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं। और यहाँ पे लोगों का किसी पे कोई भरोसा करने लायक यहाँ पे है नहीं। और कभी लोग दोस्त बन जाते हैं, कब दुश्मन बन जाते हैं, कोई पता नहीं चलता है। और यहाँ पे दोस्ती की आड़ में भी लोग दुश्मनी निभाते हैं, वो तो समझ में आ ही गया है। आप देख सकते हैं आजकल नेहा जी का और सचिन जी का पता नहीं क्या चल रहा है मैटर, कौन गलत है कौन सही है। जब तक सब लोग रिश्ते में रहते तब तक तो सही रहता है, लास्ट में एक ही गलत नहीं होता है, ये तो मेरा मानना है दोस्तों। बाकी आके सभी लोग समझदार हैं और उसके लिए हम क्या बोले।